प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस्ड रही है। सरकार ने जहां डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है, वहीं आधार से सरकारी योजना और सब्सिडी को लिंक करने, यूपीआई और मोबाइल से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का भी काम किया है। इन्हीं में से एक है सब्सिडी का पैसा लोगों के बैंक खाते में पहुँचाना, जिसका आम जनता को खूब फायदा मिला है। आजादी के इतने सालों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें सत्ता में रही हैं और इसी बीच हर प्रधानमंत्री का देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसने आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाने का काम किया है। तो चलिए इंडिपेंडेंस डे से पहले उन योजनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाया है और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहला यूपीआई। भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस कदर लोकप्रिय हुआ है कि हर सब्जी बेचने वाले से लेकर रेहड़ी लगाने वाले तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम के लिए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने भारत के साथ पार्टनरशिप की है। बीते दिनों फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि भारत और फ्रांस ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर हाथ मिलाया है। तो इससे यही साबित होता है कि भारत का बनाया हुआ यूपीआई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे देश भी दिल खोलकर यूपीआई को अपना रहे हैं। अगली जो स्कीम है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसानों के खाते में धनराशि जमा कराई जाती है और मौजूदा नियम के मुताबिक हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की किश्त जारी होती है। अभी तक सरकार की तरफ से 17 बार पैसे भेजे जा चुके हैं। आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, इसकी जानकारी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉगिन करके आप ले सकते हैं। इस योजना का लाभ अब तक आप नहीं उठा पाए हैं तो आपको इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ये वाकई ऐसी स्कीम है आजादी के बाद जिसने सीधा किसानों को फायदा पहुंचाया है। अगली जो स्कीम है वो स्वरोजगार से जुड़ी हुई है, तो वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से ये योजना एक सबसे इम्पोर्टेंट है। PMMY के तहत मेंबर लेने वाली संस्थाओं यानी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक SCB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFC और सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि MFI द्वारा 10 लाख रुपए तक का संस्थागत लोन प्रोवाइड कराया जाता है। पीएम मोदी के इस योजना से अभी तक लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल सका है। तो ये कुछ 3 ऐसी योजनाएं हैं, एक हो गया यूपीआई, दूसरा हो गया किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना और तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने वाली स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसने आम जनता को खूब फायदा पहुंचाया है और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको क्या कुछ लगता है और ऐसी कौन सी स्कीम्स है जो आपके जहन में आ रही हैं जिन्होंने आजादी के बाद से भारत को फायदा पहुंचाया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बुलेटिन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।